हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। चलिए आज हम बनाते हैं आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कोई भी खाने में जान डाल देती है। अगर आपको कुछ भी खाने का मन नहीं हो और अगर आपके पास ये आम की खट्टी मीठी चटनी हो, तो आप आराम से कोई भी खाना इसके साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही परफेक्ट बना है और इसे मैंने गुड़ से बनाया है, तो यह बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए अब देर ना करते हुए आम की खट्टी मीठी चटनी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इस खट्टी मीठी चटनी को क्या बोलते हैं? हमारे साइड इसे गुरम्मा बोलते हैं, आम की लौंजी बोलते हैं, आम का चटनी बोलते हैं। तो आप क्या इसे बोलते हो, कमेंट में लिखकर प्लीज मुझे बताएं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1/2 kg आम ले ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसे छील लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए कच्चा वाला कोई सा भी आम आप ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए इजीली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आम को मैं छील ली हूँ और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे, या आप चाहे तो इसे बड़े पीस में भी काट सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो चलिए सारे आम को मैं काट लेती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आम को मैंने काट लिया है और इसे 2-3 पानी से धोने के बाद थोड़ा सा पानी में इसे सोक कर दे कि इसका इसमें जो भी कड़वाहट हो वो निकल जाए। तो इसे हम 10 मिनट के लिए पानी में छोड़ देते हैं, फिर इसकी चटनी बनाना हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल या घी ले सकते हैं, बस 1 चम्मच ही हमें चाहिए। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 सूखी हुई मिर्च, साथ ही साथ पचफोरन। तो यहाँ पर पचफोरन के लिए मैंने ले लिया है मेथी दाना, जीरा, सरसों, सौंफ, कलौंजी। तो चलिए तेल भी अब गर्म हो गया है, तब इसमें इन सारे खड़े मसालों को हम डाल देते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्मेल आता है इसका और चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आम को, कच्चे आम को हम डाल देते हैं, साथ ही साथ इसमें डाल देती हूँ 1/2 चम्मच के करीब नमक और इन सबको 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। अब 2 से 3 मिनट के बाद ये फ्राई हो गया है, तो चलिए इसमें हम पानी और गुड़ डाल देते हैं। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी पानी और इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम गुड़। मैं ऐसे ही बड़े से पीस गुड़ का डाल दी हूँ, ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। तो अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप चाहें तो गुड़ के जगह चीनी भी ले सकते हैं, या हाफ गुड़ हाफ चीनी ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं इसे सिर्फ गुड़ से बना रही हूँ। तो अभी 10 मिनट के लिए इसे हम पकने देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद गुड़ भी मेल्ट हो गया है और आम भी पक गया है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काला नमक, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो चलिए अब इन सबको मिक्स करके फिर से हम 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हमारा खट्टा मीठा चटनी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर गैस मैं बंद कर रही हूँ। इसे आप ठंडा खा सकते हैं, गरम खा सकते हैं, इसे आप फ्रिज में स्टोर कर 2 से 3 हफ्ते तक रख सकते हैं। आराम से ये ख़राब नहीं होता है और जब भी चाहें इसे खा सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.